हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो गुरुद्वारे में हम कड़ाह प्रसाद खाते हैं, आज मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ाह प्रसाद बनाने के लिए हमें 250 ml देसी घी लिया है, 250 ग्राम हमने शुगर लिया है और 250 ग्राम हमने गेहूँ का आटा ले लिया। अब घी को हम गरम करके फिर हम इसमें आटा डाल देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। चाशनी तैयार करनी है, ये हमने 250 ग्राम शुगर ले ली है। हमने जिस कटोरी से शुगर को मेजर किया था उसी की 2 कटोरियाँ हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसको हम एक उबाल आने तक पका लेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए ब्राउन कलर आने तक और इसमें से अच्छे से खुशबू आने लग जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। अब चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है, इसे हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे। इसमें हम चाशनी एकदम धीरे धीरे से डालेंगे। अब इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक इसमें चाशनी अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए। कड़ाह प्रसाद बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये कड़ाह प्रसाद की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।